नमस्कार दोस्तों, कपल्स के रणधीर होने को लेकर गर्लफ्रेंड पक्ष हारते हुए अपना केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करती है, तो आज उस केस की लास्ट सुनवाई है। चलते हैं बॉयफ्रेंड पक्ष के पास। वकील साहब, इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, यादें कितनी भी हसीन हो, एक पल में भुला दी जाती हैं। और तुम कितनी शिद्दत से कर लो मोहब्बत, जिसे हमें चुदानी है वो चुदा ही जाती है। वकील साहब, ये क्या नाप शनाप बक रहे हैं आप? देखिए, बातें कड़वी हैं मगर सच हैं। असल में वही मोहब्बत में बेवफाई की चाल समझता है जो चूत पे लगी धूल को भी गुलाल समझता है। देखा देखा आपने, इनकी नजरों में बस वही गर्लफ्रेंड है चैंडी, जिन्हें कभी भी खिला सके कोंडम कैंडी। कोर्ट में देखूं तो यहां ना। जब मुठ मार मार कर निमटा पड़ा बिल्कुल। हाँ भाई, अदालत की आज की बकचोदी शुरू की जाए। मिलोर, आदमी के दिमाग में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, मगर फिर भी इतने शक्तिशाली दिमाग की मां चोदने के लिए एक गर्लफ्रेंड ही काफी होती है मिलोर। जी हाँ, जिस उम्र में लड़कियों को दो दो चुटिया बना के घूमना चाहिए, बहन की लौड़ी चार चार का चूतिया बनाए घूम रही है। ऑब्जेक्शन मिलोर, आजकल के लड़के प्यार को प्यार जब तक नहीं मानते जब तक दिल या सील टूट ना जाए। ओए 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 ओए, पहले तो ना दोनों कान खोल के बात सुन लियो। अगर साले क्वेश्चन है मुद्दे से अलग फालतू बकचोदी करी तो ध्यान रखो, यहाँ एक सरिया पड़ा, उसे एक साइड से गर्म करके साले ठंडी साइड से गांड में उतार दो दोनों की। ठंडी साइड से क्यों जस साहब? ताकि पकड़ के काट ना सके भौस। ठीक है जस साहब, असल बात तो मैं बताऊंगी तुम्हें, इसका सिपाही खड़ा ही नहीं होता, अब मैं कहां लौट जाए करूं बताओ तुम। देखिए मैडम, दिल बड़ा और टाइम पे खड़ा हर किसी का नहीं होता। बहनचोद, मोहब्बत के मैदान में उतर तो कोई भी जावे, पर लंडबाजी हर किसी में ना होती। तो जैसा इन लड़कों को समझाओ कि रिलेशनशिप में टाइम देना सीखो। ए, तो तुम भी टाइम पे देना सीखो। तू थोड़ा सा कम ही बोल ले, तुझे आज ना सूंघने को भी मिली लड़ रहा केसिया। अरे अरे, खोल मेरा दिल और ले ले तलाशी, बहनचोद इतनी चोट लगी रखी तो खुद देगी सबासी। ऐसा हो जाए मेरे पे झूठे इल्जाम ना लगाओ कि मन्ने से दी नहीं, मन्ने तो कई बार घर बुलाया, अब जब यूं ही छुट्टी निकट गया तो मैं क्या करूं? झूठ बोले कौवा काटे। मिलोर, अगर हकीकत में दुनिया में ऐसा कोई कौवा होता जो झूठ बोलने पे काटता, तो यकीन माने जैसा इन लड़कियों की तो वो प्राणी मान लेता गिर जाए। मैं बताऊंगा उस रात हुआ क्या था। पड़ा था ये तन्हा हाथ में लेके केला, तभी इसका फोन आया, बोली घर पे आज कोई नहीं, तुम्हारा बाबू है अकेला। खड़ा हुआ इसका बनाना, क्योंकि खुशी का नहीं था ठिकाना। अगला 13 झाड़ी 15 नाले 50 दीवार फान गए, इसके कमरे की खिड़की है बच्चा, देखो तो खिड़की जाम, खिड़की ना खुले लगवा रखे इसके बाप ने सात जगह दरवाजा खिड़की। जैसा जो लगा लगा कर इसकी गांड का गूं सूख गया, पर मजा बहचट्टा से मस हुई हो। अरे इतना ही ना जा साहब, 12 बस हुए, अगली सॉरी बाबू गुड नाइट बोलकर बहन की टेली टांग फटका रखोगी और मेरे क्लाइंट का दिमाग खराब। इसके सोने के बाद भी 3 घंटे लगा रहे आयो खिड़की खोलने में, कि साली बार खुल जा और इसका हार बनता रू। पर वापिस आते हुए अगला फूट फूट कर रोया, फिर जाके कमरे में कम्बल ओढ़ के अगला मुठ मार कर सोया। दैट्स ऑल मिलोर। मिलोर, ये कहानी सरासर झूठी है। ये रहा उस रात किए गए प्यार का सबूत, इस दरिंदे के सांप की कांचली। मिलोर, जिसे ये मोहब्बत की निशानी बता रहे हैं उस पर तो मोहब्बत का एक भी छीटा ही नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल मिलोर, हाउ इज दिस पॉसिबल? मिलोर, इनके इस बेबुनियादी झूठे सबूत से साफ जाहिर होता है
कि उस वक्त मेरे क्लाइंट को बुलाया तो गया मगर पिलवाया नहीं गया। ओ जैक्सन मिलोर, मानता हूं उस रात कुछ नहीं हुआ, मगर एक लड़की को देने से पहले 50 चीजें सोचनी पड़ती है मिलोर। लड़कों का क्या है, लड़की पानी मांगे तो कुआ हो जाओ, वरना दो बेर चोद के धुआं हो जाओ। एग्जैक्टली मिलोर, मुझे इसी बात का डर था। मैं शादी थी, हमारे बीच जो कुछ भी हो वो शादी के बाद हो। इसी मारा मैंने उस रात कुंडा दे लिया था, भीतर तो आने नहीं दिया बिल्कुल भी। मिलोर, मैं शादी के बाद सेक्स करूंगी, मैं शादी के बाद सेक्स करूंगी। जिन लड़कों ने ये रट लगा रखी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहन जो तुमने अपनी बिल्ली की एफडी करा रखी है, बात एफडी की नहीं है, जैसा वैसे तो मैं कोई भी यूज करके चल देगा। यूज कर लेगा? मैं तुम इंसान है, पब्लिक टॉयलेट है, कोई भी यूज करके चल देगा। भाई ये तो लेन देन होता है, जितना तुम देते हो उतना मिलता भी तो है। अजी मेरा मुंह तो मिल रहा, मार मरना तो पहले कहती थी मेरे घर वाले ना मानने के। ए जब तुझे पता है कि घर वाले नहीं मानने के, तो भैंचो रात को 3-3 बजे तक आई लव यू दैट मोर देन एनीथिंग एल्स वाला रंजापन जरूरी है भैंचो, है जरूरी है। अच्छा तुझे रंजाप लग रहा है, मुझे ऐसा लगा तुझे भी ना मिली दिख है, वो तो है फुटबॉल वो जिससे जब जब ये दुखी रहा, इसके दुख में दुखी रही मैं भी। अजी लंड मेरा जैसा, इन लड़कियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बॉयफ्रेंड खुश है या नहीं, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अजी झूठ मेरी। मिलो एक नजर एक झलक और पल भर का दीदार, आजकल कान में उंगली करने को लोग समझते हैं प्यार। हाँ जस साहब, इसने मेरी लेनी कर रखी, पर्सनल स्पेस तो है नहीं मेरी लाइफ में कहीं बिल्कुल। तब कौन सा पर्सनल स्पेस, पैसे का अंतरिक्ष पहले है तू। जस्साब बहुत देर से चुपू, अरे मैं खुल्लो इसके राज, मैं बताऊंगा इसकी सारी बात। जस्साब मुझे दे रही थी झांसा, नहीं हो पा रहा था मेल, और अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती थी, लेकर पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। और बस पेलम पेल पेलम पेल पेलम पेल। जस्साब चाल में इसकी टेढ़ापन और लगती नाराज है, और अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई थी, जरूर टंगे के बीच में कुछ राज है, जरूर है ना साहब, जरूर है। तेरी नाई का चोदूं इनकी लवड़ी झूठ बोल दिया, अभी अलार्म में खड़ी हो गए साली, हार का धर दो मैं हिंच। अरे अगला बंदा करता रहा इंतजार इसका, सुबह से हो गई भोर, अरे साली बुएबनू कह रहे बेबी वंस मोर वंस मोर, इसकी साली का मोर बना दूं आज, मोर बना दूं आज। मिलोर सब कुछ सच अब आपके सामने है, और मैं तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि एक बॉयफ्रेंड अपना हर गम और अपनी हर खुशी अपने बाबू से है बांटता, मगर आप कभी चाकू तलवार से ऊपर उठ के देखिए, बहन की लौड़ियों से बेहतर कोई नहीं काटता। तमाम बकचोदों और बकचोदियों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बॉयफ्रेंड उत्पीड़न में मुआवजे के तौर पर इस गबरू जवान लंबड़े को सरकारी खर्चे पर 3 दिन और 2 रातों के लिए ओयो बुक करके दिया जाता है, और इनसे उम्मीद की जाती है कि उड़ जाओ आसमान में तोड़ दो मोहब्बत की झंझीर, उड़ जाओ आसमान में तोड़ दो मोहब्बत की झंझीर। और भाई साहब कितने चिखे चिल्ला रहे हो, बहन तो चुदाई चलनी चाहिए गंभीर। और जाते जाते हम देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो हंसती है तुम्हारे हंसने से और रोती है तुम्हारे रोने से, भाई साहब एक दिन मोहब्बत पर टांग ठाके मुंह देगी, उसे झांटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे होने ना होने से। कोठी झंड कैमरा ज
जस्सा जस्सा ठहरिए, आज के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आपके प्यार के बारे में क्या विचार है? देखिए, आजकल सुबह की मोहब्बत शाम तक न चलती, अरे जो नौजवान मोहब्बत के पॉपकॉर्न को ज्यादा खावे उनके गाने भुट्टा घुसो देर ना लगती। तो इसका मतलब यह है जस साहब, मोहब्बत में गंडी बनने से अच्छा रंडी चोद ले। जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली सही समझा आप, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में यकीनन हमारी भी कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मोहब्बत में चुदाई के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं। तो सर आप देश के युवाओं की लड़कियों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं देश की युवा लड़कियों से बस एक ही बात पूछना चाहूंगा, और यकीनन इस सवाल पे आज तालियों की गड़गड़ाहट होगी, वो यह है कि बनना है तो बॉयफ्रेंड के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। बनना है तो बॉयफ्रेंड के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। और तुम्हें क्या दिक्कत है अगर इतनी टेंशन लेने के बाद बॉयफ्रेंड थोड़ी बहुत लेता है? तो देखा दोस्तों आपने, जस साहब गर्मा गर्मी करके निकल गए। बने रहिए हमारे साथ धका पेल न्यूज़, कर दे चुतड़ छोड़े, और कोर्ट में जिसके लगने थे लग गए लोड़े।